उत्तराखंड के शासकीय प्राथमिक शाला सलीहा का जर्जर भवन नए भवन की राह देख रहा है। 70 के दशक में बने खपरेल की छत वाले भवन में ही आज भी कक्षाएं संचालित होती हैं, जबकि प्रदेश के सभी स्कूलों में अतिरिक्त कमरे या नए भवन बन चुके हैं। स्कूल भवन की दीवारों में दरारें और छत से पानी टपकता साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, मूल भवन अनुपयोगी होने के चलते कक्षाएं एक अन्य भवन में लग रही है, जहां एक की मरा होने के चलते छात्र बरामदे में पड़ने को मजबूर है। बरामदे में बैठते हैं, पानी नहीं बरसता है तो हम लोग को नुकसानी है, बैठने में परेशानी हो रही है, बैठने में परेशानी होती है। सोमा भी मतलब पढ़ाई करे में असुविधा होते हुए शासन में निवेदन कर रहा था कोई दूसरा स्कूल बनवाने की कोशिश करे। आजू बाजू में जो बरामदा जैसे है उसमें पानी आ जाता है तो बैठाने में दिक्कत होती है। यहाँ भवन की बहुत ही आवश्यकता है और शासन प्रशासन से हमारा मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ भवन मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग बच्चे लोगों को और अच्छी शिक्षा दे सके और अच्छे अध्यापन और हो सके। तो चलिए देखते हैं अन्नदाताओं के लिए कमला सरकार के फैसलों पर।